దేశంలోని 187 జిల్లాల్లో 2 వారాలుగా కరోనా కేసులు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయన్నారు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ లవ్ అగర్వాల్. ప్రస్తుతం 12 రాష్ట్రాల్లోనే ఒక్కో రాష్ట్రంలో లక్షకు పైగా యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయని చెప్పారు. తమిళనాడు, కేరళ, బెంగాల్లో కేసులు పెరుగుతున్నాయన్నారు లవ్ అగర్వాల్. 10 రాష్ట్రాల్లో 25% పైగా పాజిటివిటీ రేటు ఉందని తెలిపారు. 338 జిల్లాల్లో పాజిటివిటీ రేటు తగ్గుతుందన్నారు. ఇప్పటి వరకు 17,72,00,000 వ్యాక్సిన్ డోసులు పంపిణీ చేశామన్నారు. अगर हम देखें आज की स्थिति तो पाते हैं कि देश में करीब 15.65% एक्टिव केसेस हैं, यानी कि अराउंड 37.1 लाख केसेस एक्टिव केसेस में हैं. 83.26% केसेस देश में अब तक रिकवर हो चुके हैं. यह एक विषय हम आपकी दृष्टि में यह भी लाना चाहेंगे कि अगर हम 3 मई से देखें तो 3 मई पर देश में 17.13% एक्टिव केसेस थे, जो कि अब घटते घटते 15.65% हो गए हैं. इसी तरीके से जो रिकवर्ड केसेस थे वह 3 मई को 81.7 थे, जिसमें हम एक बढ़ोतरी नोट करते हैं, विच आर नाउ कम टू 83.26%. इसी के साथ ही हम एक और जो नोटिस करते हैं कि 3 मई से हमारे देश में रिकवरी 3 मई से जो हम देखते हैं कि 3 मई से रिकवरी जो है वह बढ़ती जा रही है, और विदाविद केसेस जो हमारे एक्टिव केसेस जो हमारे देश में रिपोर्ट होते हैं. इसके साथ ही हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में 3,62,727 केस रिपोर्ट हुए हैं. यहाँ पर भी हम एक जो एक ट्रेंड पा रहे हैं कि देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से देश में केसेस में एक प्लेटोइंग महसूस होती है. और साथ ही एक और विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर हम पिछले कल का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश ने पूरे देश में ही पहली बार हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट किए 19.83 लाख, और साथ में हमारे देश में पिछले 3 दिनों से ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कुछ कमी पाई गई, जो कि 20% से कम अब हमारे देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले 3 दिनों में नोट की गई है. इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे देश में करीब 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कि 1 लाख से अधिक आज एक्टिव केसेज हैं. 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं, और 50,000 से कम वाली 16 स्टेट्स हैं. इसमें मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछली प्रेस ब्रीफिंग में हमने बताया था कि देश में ऐसी 13 स्टेट हैं जिसमें बिहार भी एक स्टेट थी, लेकिन आज बिहार में 1 लाख से कम एक्टिव केसेज हैं. साथ ही उस समय हमने बताया था कि करीब 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कि 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेज हैं, लेकिन एक स्थाई पर बिहार में केसेस एक्टिव केसेस में कमी पाई गई, दूसरे स्थाई पर जम्मू और कश्मीर के केसेस बढ़कर 50,000 से 1 लाख के बीच में होने की वजह से टोटल 8 स्टेट्स में ओवरऑल एक्टिव केसेस पाए गए हैं. इसी के साथ ही अगर हम देश में पॉजिटिविटी के एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 24 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, 5% से 10% पॉजिटिव वाली 8 स्टेट्स हैं, और 5% से कम पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स हैं. यहाँ मुख्य विषय जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि हाई केस पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड ज्यादा है, तो जरूरत है कि हमारे हर स्थाई पर प्रयत्न हो कि हम केस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, जिसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ मास्क और ओवरऑल सैनिटेशन पर हम अपना ध्यान बनाए रखें. इसमें अगर आप देखें तो पाएंगे कि 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक पॉजिटिविटी है, और 8 स्टेट और हैं जिनको कि देखें तो पाते हैं कि जहां पर 20% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई गई है. वाइल दिस इज ए वरीसम ट्रेंड, हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि कंट्री लेवल पॉजिटिविटी ओवरऑल पिछले एक हफ्ते में 21.95% से घटकर 21.02%, यानी कि इससे पहले एक जो ट्रेंड इंक्रीज इन पॉजिटिविटी की तरफ था, अब हम उसमें थोड़ा सा एक कमी भी पा रहे हैं. साथ ही वह स्टेट जहां पर कि एक्टिव केसेस सबसे अधिक थे, यानी कि जहां पर हम एक्टिव केसेस ज्यादा पा रहे थे, उनमें से 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कमी नोट कर रहे हैं. इसके साथ ही हम देखें तो पाएंगे कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ आइदर प्लेटोइंग और डिक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें कि हमने पिछले बार जब हमने चर्चा की थी तो हमने बताया था कि 18 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर यह प्लेटोइंग नोट की गई है, जो अब बढ़कर 20 स्टेट्स में हम पा रहे हैं, और जिसमें मुख्यतः अगर देखें नई स्टेट जो ऐड हुई है वह है कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और गोवा,
जहां पर थोड़ा बहुत प्लेटोइंग हम नोट कर रहे हैं,